हम न हिंदू हैं और न मुसलमान। मातृभूमि का कल्याण ही हमारा धर्म है और उसके बाधकों का सामना करना ही हमारा कर्म। पंडित हो या मौलवी, धर्म हो या कर्म, मातृभूमि के हित के विरुद्ध किसी की भी व्यवस्था हमें मान्य नहीं। मातृभूमि का अपराधी चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हमारे तिरस्कार और उपेक्षा से त्राण प्राप्त नहीं कर सकता। दुनिया भर के आडंबरों की छाया में अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने की इच्छा रखना भ्रम में पड़ना है। स्वाधीनता का युद्ध भीतर और बाहर सभी जगह होना चाहिए। हमारी आज तक की भीरुता ने ही हमें आज का यह दिन दिखाया है। हमने इनके भी प्रसन्न रखने का ख्याल रखा और उनके भी प्रसन्न होने का। फल यह हुआ कि कोई भी प्रसन्न न हुआ और हमारी भी राह न कटी। अब केवल उसी को मातृभूमि का सच्चा भक्त कहा जाए जो केवल देश के लिए जिए और उसी के लिए मरे, जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ समझे और मनुष्यों को पशुता से ऊंचा समझे, जो एक गाय की रक्षा के लिए शांति का नाश न करे और मनुष्यों के गले न काटे, जो केवल अपनी सनक और कट्टरता पूरी करने के लिए अपने पड़ोसियों के हृदय को पैरों तले न रौंदे और मूर्ख और स्वार्थी आचार्यों के बहकावे में न आ जाए, यही इस समस्या का हल है। क्या हर्ज है जो इस समय फूट पड़ जाए? क्या हर्ज है यदि जिसे तुम स्वराज्य कहते हो वह शीघ्र न मिल सके? यदि इन कामों से माता के मंदिर की नींव मजबूत पड़ गई, यदि इनसे माता के सच्चे उपासकों की संख्या अच्छी तरह बढ़ गई, ऐसे उपासकों की जिनके वेद और कुरान माता की सुजला सुफला वक्ष स्थल हो और जिनके देवता और पैगंबर माता के उद्यान के अविकसित पुष्प हो, तो माता के दुख दूर हो जाएंगे और स्वराज्य घुटनों के बल हमारे चरणों में आ जाएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी, चुनी हुई रचनाएं।